डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था शुरुआत में, जैसे ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको अपन CNS भी बोलते हैं, उसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बताई थी। उसके आगे मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि आपको जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, और यदि एग्जाम में आता है तो आपको कैसे आंसर करना है। सिमिलरली आज मैं एक दूसरा टॉपिक बताने वाला हूँ उसी कैटेगरी में, मतलब ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS, दैट इज सेडेटिव हिप्नोटिक्स। सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्या होता है, इसके डेफिनेशन मैंने बताई हुई है, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सेडेटिव हिप्नोटिक्स को अपन ने डिस्कस किया था स्लीपिंग पिल के नाम से डिस्कस किया था, और उसको ट्रांक्विलाइजर्स के नाम से भी बोला जाता है, मतलब उसको किसी पर्सन को कामिंग इफेक्ट देना। कामिंग का इफेक्ट का मतलब कोई पर्सन बहुत ज्यादा एक्साइटेड कंडीशन में है, बहुत ज्यादा एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, तो उसको क्या होता है, ट्रांक्विलाइजर दिया जाता है। इमरजेंसी सिचुएशन में उसको इंजेक्शन दिया जाता है, नॉर्मल सिचुएशन में उसको टैबलेट या कैप्सूल दिया जाता है। तो इस तरह से पेशेंट को हम काम करते हैं, मतलब उसको शांत करते हैं। शांत करने का मतलब वो रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स होने का मतलब उसको नींद आ जाती है। इस तरह से ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या इसका क्लासिफिकेशन आता है जनरली, तो क्वेश्चन क्या बनता है और इसका आंसर कैसा होना चाहिए वो मैं लास्ट में बताऊंगा। इससे पहले आपने को मैं जरूर बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बैल आइकन को इनेबल कर ले, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए और आपको कोई वीडियो मिस ना हो। और अपने दोस्तों को जितना हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप से जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि उन सबको भी ये पढ़ने का मौका मिले और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। तो दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने बताया, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अपन CNS भी बोलते हैं, उसमें मैं बता रहा था कैटेगरी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, जिसको हम ट्रांक्विलाइजर्स और स्लीपिंग पिल भी बोलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन को सबसे पहले मैंने आपके सामने एक कैटेगरी लिखी है जिसको अपन बोलते हैं बारबिट्यूरेट्स। बारबिट्यूरेट्स क्या होता है, बारबिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स को हम बारबिट्यूरेट्स बोलते हैं। बारबिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स को हमने तीन क्लास में डिस्कस किया है यहाँ पे। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का मतलब यहाँ पे है कि उस दवा को पेशेंट को देने के बाद में कितनी देर तक उसकी बॉडी में इफेक्ट करती है, या मतलब कितनी देर तक उसका असर रहता है, उसको अपन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बोलते हैं। जिसमें तीन कैटेगरी आ रही है। पहली है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग का मतलब काफी टाइम तक काम करेगी, जिसको अपन बोलते हैं ड्रग कौन सी है, दवा कौन सी है, फिनोबारबिटून बोलते हैं हम इसको। सिमिलरली शॉर्ट एक्टिंग मतलब थोड़े टाइम के लिए काम करेगी, जिसमें ब्यूटोबारबिटून आ गया और पेंटोबारबिटून आ गया। उसी तरह से थर्ड कैटेगरी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, मतलब बहुत कम समय के लिए काम करती है, जैसे आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए, तो उसको हम बोलते हैं थायोपेंटोन और मेथॉक्सिटोन। तो इस तरह से ये दोस्तों जो मेन जो दवाएं काम आती है, या यूं कहूंगा जो डिप्लोमा लेवल की जो क्वेश्चन आते हैं वो इनमें, वही की चीज मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे इनका तीन क्लासिफिकेशन हो गया। बारबिट्यूरेट्स में मैंने क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में फिनोबारबिटोन बताया, शॉर्ट एक्टिंग में आपको ब्यूटोबारबिटोन और पेंटोबारबिटोन बताया, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में मैंने आपको बताया थायोपेंटोन और मेथोएक्सिटोन। दूसरी कैटेगरी है दोस्तों कौन सी, बेंजोडाइएजेपिन्स। बेंजोडाइएजेपिन्स में भी वही बात है जिस तरह से मैंने बारबिट्यूरेट्स के लिए बताया, बारबिट्यूरेट्स में बारबिट्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, उसी तरह से बेंजोडाइएजेपिन्स, बेंजोडाइएजेपिन एक रिंग सिस्टम होता है, और इसको हम शॉर्ट में बोलते BZD, इसको हम शॉर्ट में बोलते बेंजोडाइएजेपिन्स। तो बेंजोडाइएजेपिन्स में एग्जांपल कौन कौन से हैं, डाइजेपाम बोलते हैं, फ्लोराजेपाम बोलते हैं, नाइट्राजेपाम बोलते हैं, एल्प्राजोलम होता है, टेमाजेपाम आता है, एंड ट्रायाजोलम आता है। दीज आर द लीडिंग मॉलिक्यूल्स, लीडिंग कंपाउंड्स, लीडिंग ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट फॉर द और यूज एज ए सेडेटिव हिप्नोटिक्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज लाइक मींस एंजाइटी वाली सिचुएशन में। तो ये सारे के सारे ड्राइजेपाम आ गया, फ्लोरोजेपाम, नाइट्राजेपाम, एल्प्राजोलम, टेमाजेपाम एंड ट्रायाजोलम। ये हो गया हमारा बेंजोडाइजेपिन, जो आपको मेन एग्जाम में लिखना होता है। फिर उसके बाद में दोस्तों तीसरी कैटेगरी कौन सी आती है, न्यूअर ड्रग्स, जिसमें तीन नई ड्रग्स आती है
जो अभी थोड़े समय पहले ही इनको क्या हुआ है डिस्कवरिंग में आया है, जिसमें जॉपी क्लोन आता है, एक तो जॉल्पिडेम आता है, जेलेप्लोन आता है। इस तरह से तीनों ड्रग्स किसकी, इसको हम क्या करते हैं, इसको दूसरा एक नाम और भी बोला जाता है, इनको बोला जाता है बेंजोडाइजेपीन एनालॉग। एनालॉग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये भी समझ लें कि बेंजोडाइजेपीन जैसी स्ट्रक्चर वाली दवाओं को हम एनालॉग बोलते हैं, मतलब बेंजोडाइजेपीन एनालॉग बोलते हैं। उनमें कौन कौन सी है, जॉपिक्लोन, जॉल्पिडेम एंड जेलेप्लोन। ये इस तरह से तीन दवाएं हैं, जो तीन ड्रग्स है, तीन मॉलिक्यूल है, जो एज ए बेंजोडाइजेपीन जैसी स्ट्रक्चर है लेकिन बेंजोडाइजेपीन नहीं है, लेकिन उनका काम वही होता है जो बेंजोडाइजेपीन का होता है, इसका मतलब सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। ओके, उसी तरह से अदर्स और फोर्थ कैटेगरी आती है, अदर्स कह सकते हो या मिसलिनियस कह सकते हो, जिसमें क्लोरल हाइड्रेट कहा आता है, पैराएल्डिहाइड आता है, ग्लूटाथिमाइड आता है। ये तीन ड्रग्स हैं जो जनरली पेशेंट्स को दी जाती है और आपको पढ़ना जरूरी होता है। इस तरह से दोस्तों ये क्लासिफिकेशन हो गया। आपको मेन एग्जाम में अब बात करता हूं क्वेश्चन क्या आता है और उसका आंसर क्या लिखना है। मैंने आपको डिटेल बता दिया इसका क्लासिफिकेशन। अब आपका क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैं बताता हूं, राइट शॉर्ट नोट ऑन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो उस सिचुएशन में आपको आंसर लिखना है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन के बाद में उसमें आपको लिखना है, थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन करना है कि इसका यूज कहां होता है। फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन में आपको सब पहले कैटेगरी में बारबिट्यूरेट, बेंजोडाइजेपीन्स, न्यूअर ड्रग्स और अदर ड्रग्स के बारे में आपको लिखना होता है। और इस तरह से यदि आप पूरा लिख देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 100% पूरे नंबर वाला। मतलब आपको 5 नंबर का यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है या 4 नंबर का सवाल आता है तो जनरली आपको पूरे नंबर मिलते हैं, क्योंकि आपने पूरी चीज लिख दी है। ये मैं बात कर रहा हूँ डिप्लोमा लेवल की। और यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या एग्जिट एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, किस तरह का आता है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है थायोपेंटोन कौन सी कैटेगरी का, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, बारबिट्यूरेट है, एल्प्राजोलम कौन सी कैटेगरी का ड्रग है, बेंजोडाइजेपिन है, किस कौन सी कैटेगरी है, सेडेटिव हिप्नोटिक है। नेक्स्ट जॉल्पिडेम कौन सी कैटेगरी का ड्रग है, बेंजोडाइजेपीन एनालॉग है व्हिच इज यूज्ड एज ए सेडेटिव हिप्नोटिक्स। सिमिलरली क्लोरल हाइड्रेट कौन सी कैटेगरी का ड्रग है, क्लोरल हाइड्रेट इज यूज्ड एज ए सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। जनरली जब पूरी सब्जेक्ट की बात आती है तो जब बच्चों को यह भी नहीं पता होता है कि क्लोरल हाइड्रेट कौन सी कैटेगरी का है या बेंजोडाइजेपीन कौन सी कैटेगरी का है, तो इस तरह से चीजें आपको याद रखनी है। अब दूसरा सेक्शन आता है दोस्तों, कौन सा कि यहां पे कौन सा सेक्शन आता है दूसरा, कि इसमें आपको कुछ डिप्लोमा लेवल की बात कर रहा हूं, नर्सिंग वगैरह में ये नहीं होता, मेडिकल में नहीं होता है। यदि डिप्लोमा लेवल की बात करूं तो डिप्लोमा लेवल में जैसा आपको बताया है, आप यदि स्ट्रक्चर देखेंगे आपका सिलेबस, पीसीए का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में उन तीन ड्रग्स पे आपको देखना कि उस पे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपको उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले आपका कौन सा आता है, सबसे पहले आता है जिसमें फिनोबार्बिटोन आता है, फिनोबार्बिटोन पे आपके स्टार लगा हुआ है जिसका आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है। और वैसे भी फिनोबार्बिटोन इंपोर्टेंट ड्रग है, तो फिनोबार्बिटोन की बात कर रहे हैं अपन। ये फिनोबार्बिटोन का नाम है जो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, लॉन्ग एक्टिंग में आ रहा है, और इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो स्ट्रक्चर ये है। यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ध्यान देना, बारबिट्यूरिक एसिड, ये वाला बारबिट्यूरिक एसिड है, इसमें एक फिनाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है। इसकी जब नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरह से इसका नंबरिंग होगा। जो नंबरिंग और गोला वाला जो चीज है उसको हम बारबिट्यूरिक एसिड बोलते हैं। यहाँ पे फिफ्थ पोजिशन पे इस पार्ट को हम इथाइल बोलते हैं, इस पार्ट को फिनाइल बोलते हैं, मतलब पांचवी पोजिशन पे इथाइल जुड़ा हुआ है, पांचवी पोजिशन पे फिनाइल जुड़ा हुआ है, इस तरह से इसका नाम हो गया 5-ethyl-5-phenyl बारबिट्यूरिक एसिड। इस ये मतलब क्या हो गया, शायद आपको पता लग गया होगा, जैसा मैंने अभी यहाँ पे बोला है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा ड्रग हो गया फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन। ओके, ये हमारा ड्रग हो गया, इसका आपको स्ट्रक्चर लर्न करना है और डिटेल स्ट्रक्चर याद ही आपको लर्न करना है। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ के इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल चीज मिल जाएगी कि बारबिट्यूरिक एसिड को हम स्ट्रक्चर कैसे लर्न करते हैं, और उसका डिटेल बारबिट्यूरिक एसिड के बारे में वो भी आपको डिटेल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है।
अब मैं बात करता हूँ दूसरा, यहाँ पे कौन सी बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक ड्रग और है जो आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, वो है आपका डाइजेपाम। डाइजेपाम का भी आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है। डाइजेपाम का स्ट्रक्चर पढ़ने का कैसे पता लगेगा, आपके सिलेबस में देखना, उस पर स्टार लगा हुआ है। डाइजेपाम का स्ट्रक्चर आपका ये वाला स्ट्रक्चर है। यदि मैं इसका जैसा कौन सी कैटेगरी में मैंने डिस्कस किया, शायद आपको पता लग गया होगा, हमने इसको बोला बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स में ध्यान देना, इसका जो नंबरिंग सिस्टम है, इसका नंबरिंग सिस्टम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इसका नंबरिंग सिस्टम है। और जो नंबरिंग सिस्टम पे मैंने जो रिंग सिस्टम आया है, एक बेंजीन है, एक ये डाइएजिपिन है, और जो ये नंबरिंग किया है वो मैंने किसका नंबरिंग किया है, इसको बोलते हैं बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स ये वाली हो गया। बेंजोडाइजेपिन्स में ये चीज बन गई। अब इस बेंजोडाइजेपिन पे इसका नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। बेंजोडाइजेपिन्स तो मैंने ये लिख दिया, बेंजोडाइजेपिन हो गया। कौन सी पोजीशन पे है, नाइट्रोजन फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे, तो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन बेंजोडाइजेपिन हो गया। और सेकंड पोजीशन पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए मैंने 2-ON लिख दिया। अब इसके अलावा इस बेंजोडाइजेपिन्स पे क्या बचा हुआ है, एक तो क्लोरीन बचा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप बचा हुआ है, एक फिनाइल बचा हुआ है। देखना क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे, 7-क्लोरो। मिथाइल कौन सी पोजीशन पे, 1-मिथाइल। फिनाइल कौन सी पोजीशन पे, 5-फिनाइल। और यहाँ पे ध्यान देना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पे जनरली अंदर की तरफ डबल बॉन्ड होना चाहिए, वहां डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए 1,3-dihydro-2H1 लिखा जाता है। इस तरह से इसका जो नाम बन रहा है वो क्या बन रहा है, 7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H1,4-benzodiazepine-2-ON, ये उसका नाम हो गया। किसकी बात कर रहे हैं अपन, डाइजेपाम की बात कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर आपका किसका है, डाइजेपाम का है। ओके, अब बात आती है एक तीसरा स्ट्रक्चर है जो आपको लर्न करना होगा, या आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कौन सा है, वो हमारा ड्रग है एल्प्राजोलम। एल्प्राजोलम का शायद आपको वैसे भी पता होगा, यदि जनरली आपको थोड़ा सा नॉलेज है, या यदि आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट जो ओल्ड एज पेशेंट है, उनको नींद नहीं आती, तो जनरली एल्प्राजोलम का टैबलेट आप पेशेंट खा रहा होता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से देखिएगा, यहाँ पे एक ड्रग और आ गया, मतलब ये हो गया हमारा एल्प्राजोलम। एल्प्राजोलम, ये एल्प्राजोलम का स्ट्रक्चर है। एल्प्राजोलम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिएगा, इसका जो नंबरिंग सिस्टम बनता है, बेंजोडाइजेपिन वाला स्ट्रक्चर आ रहा है, लेकिन इस पे एक ट्राया जो एजोलो सिस्टम और जुड़ा होता है। इसका जो नंबरिंग सिस्टम है 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 6 हो गया, और 7, 8, 9 और 10, इस तरह से इसका नंबरिंग सिस्टम होता है। जो नंबरिंग सिस्टम है, नंबरिंग सिस्टम से देखिएगा, 1-methyl पोजीशन पे आ रहा है, 8-chloro पोजीशन पे आ रहा है, तो 8-chloro हो गया, 1-methyl हो गया, 6 पोजीशन पे फिनाइल आ रहा है, 6-phenyl आ रहा है। जैसा मैंने बताया आपको, अभी अंदर की तरफ डबल बॉन्ड हाइड्रोजन है, तो 2-4H हो गया। इस रिंग सिस्टम को हम ट्राई एजोलो बोलते हैं, और ये इनका दोनों का अटैचमेंट है, जिसको 4,3-alpha-1,4-benzodiazepine बोलते हैं। ये 4,3-alpha-1,4-benzodiazepine कैसे आता है, ये मैंने अलग से क्लास ली हुई है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। कैसे, जैसे बेंजोडाइजेपिन का और डिटेल स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, उसका भी आपको डिटेल में लिंक मिल जाएगा। इस तरह से मैंने आपको जो स्ट्रक्चर पढ़नी होगी तीन ड्रग्स की, जिसमें कौन कौन सी ड्रग हो गया, एक तो डाइजेपाम हो गया, एक फिनोबारबिटोन हो गया, एक एल्प्राजोलम हो गया, इन तीनों ड्रग्स का आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में या आपके इंटरनल एग्जाम्स में एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपका टीचर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ फिनोबारबिटोन एंड इट्स आईपीसी नेम, तो आपको इसका स्ट्रक्चर और इसका ये आईपीसी नाम हो गया, केमिकल नेम जिसको हम बोलते हैं। सिमिलरली एल्प्राजोलम का स्ट्रक्चर और इसका ये आईपीसी नाम या ये इसका केमिकल नेम हो गया। सिमिलरली ये हो गया नेक्स्ट आपका डाइजेपाम, जिसका ये स्ट्रक्चर हो गया और ये आपको इसका केमिकल नेम या आईयूपीएसी नेम हो गया। आपको इसका स्ट्रक्चर और कैसे लर्न करना है, उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसको देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसी ड्रग का स्ट्रक्चर और अच्छे से कैसे याद कर सकते हैं। मैंने ये क्लास और ये लेक्चर आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट में बनाया है, हो सकता है आपको समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना ना बोले, ये आपकी स्क्रीनशॉट
स्क्रीनशॉट आपके लिए नोट्स का काम करेगा। शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अभी भी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को इनेबल कर ले, अपने दोस्तों को जितना हो सकता है शेयर करें। फिर से एक नया वीडियो लेके आऊंगा, तब तक जय भारत, जय हिंद।